अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ल नंबर 4 शायर है नासिर काज़मी। चार की तशरीह और मशक के सवाल हम कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। शेर है, रिश्ता ही जान था कभी जिसका ख्याल, उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं। रिश्ता ही जान, जान का रिश्ता, सूरत शक्ल मफहूम है इसका। शायर कहता है कि जिसका ख्याल कभी मुझे जान से भी ज्यादा अजीज था, अब उसकी शक्ल भी मुझे भूलती जा रही है। तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर अभी तक अपने माजी के गली कूचों में ही घूम रहा है, वो अपने माजी को याद करता है। जैसे हम पहले भी बयान कर चुके हैं, शायर नासिर काज़मी जो है वो हिंदुस्तान में पैदा हुए और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजारा, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान आ गए, लेकिन वो अपने माजी से जो है वो पीछा नहीं छुड़ा सके और उन्हें उनका माजी, उनका वतन याद आता था। और इस शेर में शायर कहता है कि मेरा महबूब जिससे मेरा दिलो जान का रिश्ता था, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, जिस पर मैं अपनी जान लुटाने को हर वक्त तैयार रहता था, मेरे दिल को हमेशा यही ख्याल होता था कि मुझे जो है वो अपने महबूब से बढ़कर कोई भी चीज अजीज नहीं है। मेरे दिल की हमेशा यही ख्वाहिश होती थी, मेरे दिल का हमेशा यही ख्याल होता था कि मैं अपने महबूब को किसी तरह खुश रख सकूं, लेकिन वही महबूब, उसी महबूब की शक्ल कि जो मुझे अपनी दिलो जान से भी ज्यादा अजीज थी, अब मुझे भूलती जा रही है। अब मुझे वो शक्ल, वो चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं है। जमाने ने मुझे कुछ इस तरह से अपने आप में मगन कर लिया है कि मैं अपने जान से जो प्यारे दोस्त थे उनको भी भूलता जा रहा हूँ, और इनको याद रखना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ना उनके नक्शो नैन अब मुझे याद हैं और ना ही मुझे उनकी शक्लें और सूरतें अब याद रही हैं, बल्कि एक धुंधले साए की तरह मेरे दिमाग में मौजूद हैं। वाजिया तस्वीर कोई भी मुझे नजर नहीं आती। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल सब्सक्राइब कर दे। इसके तमाम पार्ट्स की जो फुल प्लेलिस्ट है वो आपको लिंक उसका वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।